गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोग निकल गए विदाउट एनी डेस्टिनेशन। तो बेसिकली वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है आज, धूप उतना ज़्यादा है नहीं, तो हम लोग निकल गए। इधर तो दिखा रहे बाबा, तो हम लोग निकल गए एक जगह पे जाने के लिए, जो कि है वहाँ पे ना एक मिठाई बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो कौन सा जगह है वो देखने के लिए तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड हम लोगों के साथ जाना पड़ेगा। तो चलिए निकलते हैं। देखिए जिस तरफ देखेंगे मिठाई का दुकान, उधर मिठाई का दुकान, इधर मिठाई का दुकान, देखिए देखिए। तो ये जो है लैंगचा भवन, यहाँ पे मिलता है लैंगचा जो कि एक मिठाई है, और एक चीज मिलता है वो है मुड़मुड़े, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं झालमुड़ी, तो हम लोग आपको भी लेंगे झालमुड़ी। ये रहा प्रीतम, इसको बहुत ज्यादा पसंद है लैंगचा, बट मैं नहीं खाती हूँ, मैं मिठाई ज्यादा नहीं खाती। अभी शुरू होगा प्रीतम का खाने का सेशन स्टार्ट, क्योंकि पीना तो हो गया उसका। तभी बन रहा है यहाँ पे मुरमुरे। अरे ज्यादा ही ले लो, थोड़ा क्या करोगे, थोड़ा खा के। ये है फेमस लैंगचा, तो अभी कुछ और मत बोल दीजिएगा, तो अभी प्रीतम खाने वाला है इसे। वो बेचारा खुद हंस रहा है। साइज तो देखिए, मेरे हाथ से भी बड़ा बड़ा है। कौन सा वाला लेना है? ये कुछ और ही लग रहा है, जो भी है। छोटा साइज का लेना है तुमको? छोटा लेना है, बड़ा लेना है? ठीक है, तो अभी प्रीतम जी से थोड़ा सा डीप कन्वर्सेशन चलेगा। वो है लैंगचा का प्राइस क्या है? 10 रुपीज। चलो, चाय का ओके छोड़ो, टोटल कितना रुपए का खर्चा हुआ अभी तक खाने पे? 80। पेट्रोल कितने का लगा? तो हम राइडर साइज ही होते हैं, 700 का तेल, 80 रुपए का खाना, मतलब 70 का खाने पे 700 का तेल, ऐसा हिसाब है हमारा। तो अभी ये जो चीज है वो जाएगा प्रीतम के पास, क्योंकि ये नहीं खाती हूँ मैं, लेकिन बहुत मस्त है, दिखाई नहीं पड़ा, क्या इशारा किया तुमने। तो ये है समोसा, एक समोसा मेरा, एक उसका, एक तेरा, एक मेरा, मेरा बराबर 50-50 बराबर है, एवरीथिंग ओके, हैप्पी। ये मेरा चाय, ये मेरा 2 नंबर वाला चाय है, फर्स्ट वाला तो मैंने ले लिया। और ये रहा मुड़मुड़े, इसे झालमुड़ी बोलते हैं यहाँ पे। ओके, एक्सप्रेशन थोड़ा सा अच्छा। तो बड़ा वाला क्यों नहीं लिया, छोटा वाला क्यों लिया? चाहा, चाहा मिला नहीं, कब कब करके खाई। नहीं, ये तो फेमस है ही है, और एक फेमस मिठाई आपको दिखाते हैं। ये है फेमस मिठाई, तो सीताभोग कहते हैं, बहुत अच्छा रहता है खाने में, कम मीठा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। ये और एक रसगुल्ला आया है प्लेट पे, एक समोसा, वाओ, हाँ, समोसा बहुत टेस्टी है। हम लोग निकल रहे हैं, अंधेरा भी हो चुका है, और मेन बात ये है कि यहाँ पे इलेक्शन है आज, और हमें पता नहीं था, हम आ गए क्योंकि एक ना गाड़ी जो है वैगनर ठुका हुआ आया था, तो वो ना प्रेस का गाड़ी था, तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो बोल रहे थे कि सामने थोड़ा सा झमेला हुआ है, इसलिए तो आज इलेक्शन है, और हमको पता ही नहीं था, तो हमने खाना वाना खा लिया है, अभी अभी निकल जाएंगे। और और थोड़ा सा खाएंगे सोचा था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, जान रही तो फिर से खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम भी याद नहीं था, याद मतलब, हाँ सच में हम लोगों को पता नहीं था कि आज यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, नहीं तो मतलब शायद नहीं आते।
डानकुनी टोल प्लाजा के मतलब बाद पार होके ही हम लोग रुके हैं। प्रीतम गया है चाय लाने के लिए, वो रहा, प्रीतम जा रहा है वहाँ पे चाय के लिए, और ये रहा डानकुनी टोल प्लाजा। मस्त लगा आज, बहुत दिन बाद राइड करके मस्त लगा। चंदा मामा को देखिए, मस्त है। और ये आ रहा है प्रीतम चाय लेके। ओ है भारलक्ष, ठंडा होगा, मैं तो गर्म रहते तो भर पाऊंगा। और ये रहा मेरा आज का फिल्ट चाय। अभी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए देते हैं क्योंकि मुझे गर्म चाय पीनी एकदम पसंद नहीं है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर पियेंगे। जाते टाइम उतना जैम नहीं मिला, लेकिन आते टाइम पे बहुत जैम मिला क्योंकि बहुत सारा डाइवर्शन है। उसके बाद रोड भी ख़राब है क्योंकि रास्ता हो रहा है, तो जो लोग आसानसोल के साइड से आएंगे उन लोगों को ख़राब रास्ता मिलेगा क्योंकि देखिए लॉरी भी निकल गया है। बहुत साइड से बाइक है बोल के साइड से निकल जा रहे हैं, नहीं तो गाड़ी रहता तो भाई जो आ रहे हो गाड़ी में तो फंसोगे बहुत बढ़िया। तो हम लोगों का आज का मस्ती का राइड खत्म, नेक्स्ट राइड पे मिलेंगे बहुत जल्दी ही। और ऐसे मस्ती का राइड देखते रहिए और हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।